वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाहे एकेडमी। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे यूज ऑफ बोथ। बोथ का प्रयोग क्या होता है वो पता है? बोथ का मतलब होता है दोनों, मतलब दो के दोनों चीजों का यूज करते हैं बोथ का। पहले के वीडियो मैंने आपको बोथ एंड ईदर का यूज बताया था। आपको एक बोथ का सिंपल अलग से यूज भी आपको पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा इसमें वीडियो एक बना देता हूँ। तो बोथ का जो प्रयोग हम करते हैं बाद में एक एडजेक्टिव की तरह करते हैं और इसके बाद हम इसका द लगाते हैं। बोध का प्रयोग जब भी हम वाक्य में करते हैं उसमें एक एडजेक्टिव की तरह करते हैं और उसमें हम क्या लगा देते हैं? द लगा देते हैं। ध्यान रहे आप इस बात का, द का प्रयोग कभी भी बोध के पहले नहीं करना चाहिए। द का प्रयोग हमेशा बोध के बाद करना चाहिए। जैसे कि एक सेंटेंस आप देख लीजिए, जैसे आई नो बोध द मैन, आई नो बोध द मैन, मैं उन दोनों आदमियों को जानता हूं। अगर आप इसमें ये कहेंगे आई नो द बोध मैन, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। आई नो बोध द मैन, जैसे इसमें आप लेगा शी नो बोथ द वॉइस, वह दोनों लड़कों को जानती है। शी नो बोथ द वॉइस, वह दोनों लड़कों को जानती है। तो अब आपका दूसरे तरीके जो हम यूज करते हैं वो आपका होता है, इसका यूज हम पर्सनल प्रोनाउंस की तरह भी करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं आपके? जैसे हम, आप, ये सब पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं। जैसे बोथ ऑफ देम कम टुमारो, बोथ ऑफ देम मतलब मैं, वो दोनों कैम टुमारो, बोथ ऑफ देम कम टुमारो मतलब वो लोग कल आएंगे। बोथ ऑफ देम, सी इन्वाइटेड बोथ ऑफ अस, सी इन्वाइटेड बोथ ऑफ अस, उसने हम दोनों को इन्वाइट किया था। सी इन्वाइटेड बोथ ऑफ अस, तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन में आप बोथ का यूज करते हैं। बोथ का अलग तरीके से दूसरे तरीके पे आते हैं। बोथ का प्रयोग प्रोनाउन के बाद ऑब्जेक्ट की तरह भी किया जा सकता है। जैसे अभी हमने प्रोनाउन की तरह किया था, इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखें, शी इन्वाइटेड अस बोथ, पहले हमने इसको एज अ प्रोनाउन यूज किया, तो उसमें क्या हमने कहा? शी इन्वाइटेड बोथ ऑफ अस। आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, शी इन्वाइटेड अस बोथ, सिंपल है। जैसे शी एंड्स यू बोथ हियर लव, बोथ हर लव, शी एंड्स यू बोथ हर लव, मतलब इस तरीके से आप इसको प्रोनाउन की जगह साथ एड, जिसको एडजेक्टिव के साथ साथ प्रोनाउन, प्रोनाउन के साथ इसको आप ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। आपको एक और बात बताना चाहूंगा मैं, इसका एक और रूल होता है, बोथ का यूज कभी भी नॉट, ऐसे बोथ नॉट यूज नहीं करना चाहिए बोथ के साथ। जैसे बोथ डैश 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 नॉट, इसका मतलब ये होगा कि बोथ के बाद कुछ सेंटेंस आएगा फिर नॉट आएगा, इसलिए मैं उसमें डैश 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 यूज कर रहा हूँ। जैसे कि बोथ की जगह आपको बोथ डैश डैश नॉट की जगह आपको नीदर ऑफ देम का यूज करना चाहिए, नीदर ऑफ देम। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बोथ ऑफ देम आर नॉट हियर, बोथ ऑफ देम आर नॉट हियर, ये टोटली इनकरेक्ट है, डोंट यूज। यूज ये करना है, नीदर ऑफ देम इज हियर, नीदर ऑफ देम इज हियर।